नमस्कार, स्पिन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र दौरे पर, पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को दी कई सौगातें। पीएम मोदी ने नागपुर एम्स का किया उद्घाटन। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग और नागपुर मेट्रो के पहले फेज का भी किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रीडम पार्क से खपरी तक नागपुर मेट्रो की यात्रा की। उन्होंने इस दौरान छात्रों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने नागपुर मेट्रो की फ्रीडम पार्क स्टेशन पर अपना टिकट खरीदा। नागपुर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार में तेजी से काम हो रहा। समृद्धि महामार्ग से 24 जिले कनेक्ट होंगे। तेजी से जारी है महाराष्ट्र का विकास। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ली हिमाचल के मुख्यमंत्री पद की शपथ। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकेर ने ये मुख्यमंत्री को पद की शपथ दिलाई है। मुकेश अग्निहोत्री ने ली डेप्यूटी सीएम पद की शपथ। शपथ लेने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, कैबिनेट के विस्तार के बाद ये तय किया जाएगा कि कौन सी गारंटी योजना पहले की जाए। हमारी सरकार ने 10 गारंटी योजना दी है और इन सभी योजनाओं को कांग्रेस लागू करेगी। शपथ ग्रहण के बाद प्रियंका गांधी ने कहा, हम सभी बहुत खुश हैं। हमने जो भी वादा किया हम उसे जल्द से जल्द लागू करना चाहते हैं। भूपेंद्र पटेल ने दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र। भाजपा के सभी बड़े नेता होंगे शामिल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिया इस्तीफा। जेपी नड्डा ने इस्तीफा किया स्वीकार। एमसीडी चुनाव में बीजेपी की हार के बाद इस्तीफा दिया। वीरेंद्र सचदेवा को अगली व्यवस्था तक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। गुजरात में आप पार्टी को लग सकता झटका। विधायक भूपत भाई भयाणी को हो सकते बीजेपी में शामिल। विसावदर सीट से आपके विधायक हैं भयाणी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का वाराणसी दौरा। काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। वाराणसी में दशामेवेध घाट पर की गंगा आरती। वाराणसी में कविराज सुब्रमण्यम शास्त्री की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बीजेपी के युवा मोर्चा ने पर्यावरण की जन जागृति के लिए साइकिल यात्रा का आयोजन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल हुए। उन्होंने कहा, साइकिलिंग करने से पॉल्यूशन और ट्रैफिक का सॉल्यूशन होता है। बूंदी में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भारी उत्साह। राहुल गांधी ने की बैलगाड़ी की सवारी। पापरी से यात्रा का दूसरा चरण। वार्षिक उत्सव और बाल गुरुकुलम उद्घाटन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, नई शिक्षा नीति से स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा दोनों को नए आयाम मिलेंगे। इससे सभी वर्ग के लोगों को समानता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होंगे। महाराष्ट्र में मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर स्याही फेंकने का मामला। 7 कांस्टेबल और 3 अधिकारी सस्पेंड। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ शहर का यह मामला। जम्मू कश्मीर में गिराया गया जैश के आतंकी कमांडर का घर। अधिकारियों ने दी जानकारी। उन्होंने दावा किया कि आतंकी का 2 मंजिला घर सरकारी जमीन पर बना हुआ था जिसे ध्वस्त किया गया। आतंकी कमांडर पाकिस्तान से चलाता है सिंडिकेट। पुलवामा हमले में भी था शामिल। बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच फायरिंग प्रकरण में बीएसएफ के बुलाने पर पाक रेंजर्स नहीं आए फ्लैग मीटिंग में। पाक रेंजर्स को नहीं सौंपा जा सका प्रोटेस्ट नोट। अनूपगढ़ की बिंजोर पोस्ट पर हुई थी फायरिंग। महाराष्ट्र से गुजरात जा रही कार में बेटी के साथ बैठी महिला यात्री से छेड़छाड़। महिला के विरोध करने पर उसकी 10 साल की बच्ची को चलती गाड़ी से बाहर फेंका। बच्ची की मौत। दिल्ली के जर्जर हो चुके गोल मार्केट को नया रूप देने की योजना शुरू। एनडीएमसी ने म्यूजियम के रूप में इसे तब्दील करने के लंबे समय से लंबित परियोजना पर काम शुरू किया। परियोजना के लिए लगभग 26 करोड़ 74 लाख का बजट रखा था। पंजाब के अबोहर इलाके में बीएसएफ की कार्रवाई। बीएसएफ ने बरामद किए कारतूस, राइफल और मैगजीन। इलाके में AK-47 2 राइफल, 4 राइफल मैगजीन, 2 पिस्टल और 4 पिस्टल मैगजीन और कारतूस बरामद किए। कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी। कई इलाकों में बारिश के आसार। वहीं माउंट आबू में न्यूनतम पारा पहुंचा 2 डिग्री। वीकेंड पर पर्यटकों का माउंट आबू में जमावड़ा। चक्रवाती तूफान मैंडूस ने तमिलनाडु में मचाई तबाही। मैंडूस तूफान का असर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और आसपास के जिलों में भी देखने को मिला। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत अपने नए विज्ञापन को लेकर विवादों में। ऋषभ पंत ने अपने एड में संगीत का किया अपमान। फिल्म मेकर हंसल मेहता ने भी एड पर जताई नाराजगी। चूरू में NH-52 पर निजी बस ट्रक की टक्कर। बस और ट्रक की टक्कर में 12 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जेसीबी मशीन से कैबिन तोड़कर ड्राइवर को बाहर निकाला।
अफगानिस्तान में महसूस किए गए भूकंप के झटके, काबुल समेत कई जगहों पर भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई भूकंप की तीव्रता, 41 किलोमीटर दर्ज की गई भूकंप की गहराई। ट्विटर पर एक बार फिर लॉन्च करेगा ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन सर्विस, अपनी इस प्रीमियम सर्विस को ट्विटर एक महीने के अंतराल के बाद शुरू करेगा। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत किसानों को दी योजना की जानकारी, कृषि विभाग के अधिकारियों ने गांव चरलई में किसानों को जानकारी दी, किसानों के लिए चलाया जा रहा विशेष जागरूकता अभियान। चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ में इडरा ग्राम सहकारी समिति में निर्विरोध निर्वाचित हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ग्राम सहकारी समिति के सभी वार्डों के सदस्य भी निर्विरोध निर्वाचित थे। अंबालाल लोहार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर देवीलाल शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए। चित्तौड़गढ़ में कंधारिया से सावा विलेज कनेक्टिविटी सड़क का शिलान्यास, हेरिटेज कंजर्वेशन प्रमोशन अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने किया शिलान्यास, सड़क निर्माण पर आएगी करीब 1,80,00,000 रुपए की लागत। चित्तौड़गढ़ में रौनक चतुर्वेदी ने बढ़ाया बेगू क्षेत्र का गौरव, रौनक बनी इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट, लगातार 4 साल से ट्रेनिंग के बाद पहली बार में मिली सफलता। चित्तौड़गढ़ में मेघवाल समाज की आयोजित होने वाली कबड्डी प्रतियोगिता पोस्टर का विमोचन, आसावरा माता में मेघवाल समाज की धर्मशाला आयोजित बैठक में हुआ विमोचन, 18 दिसंबर को आयोजित होगी द्वितीय एक दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता। चित्तौड़गढ़ में हेरिटेज कंजर्वेशन प्रमोशन अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने किया विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण, चित्तौड़गढ़ विधानसभा के गांव कश्मोर में रखी सड़क निर्माण की आधारशिला, करीब 1.15 करोड़ की लागत से होगा सड़क निर्माण। चित्तौड़गढ़ के कपासर में क्षेत्र में पहुंची बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा, प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी हो रही हमलावर, नुक्कड़ सभाओं पर कई मुद्दों पर चर्चा, बीजेपी पदाधिकारी नगरपालिका के पार्षद हुए शामिल। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला, पद का दुरुपयोग कर झूठा मुकदमा दर्ज कराने का लगाया आरोप, भूपाल सागर थाना पुलिस करेगी मामले की जांच। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में जन आक्रोश यात्रा में पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने प्रदेश सरकार पर बोला हमला, कहा कांग्रेस राज में सांप्रदायिक तनाव की आग में जल रहा प्रदेश, जन आक्रोश यात्रा के दौरान महिला चौपाल में मिला महिलाओं का अपार समर्थन। सांसद चंद्र प्रकाश जोशी का निम्बाहेड़ा पहुंचने पर स्वागत हुआ, उन्होंने जन आक्रोश यात्रा में भाग लिया, इस दौरान पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी, जिला अध्यक्ष गौतम दत्त समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में ट्रोले के अनियंत्रित होने से हादसा, हादसे में 2 युवकों की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल, विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी के हस्तक्षेप के बाद एससीसी कंपनी ने मुआवजा दिया, मृतकों के परिजनों को मिलेगा 5 लाख का मुआवजा। चित्तौड़गढ़ के कपासन में महिला की अश्लील फोटो खींचकर दुष्कर्म करने का मामला, उसमें गिरफ्तार किया गया है आरोपी को, आरोपी ने चाकू की नोक पर किए थे महिला के आपत्तिजनक फोटो क्लिक, महिला को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन का गीतेश लड्ढा बना कॉमर्शियल पायलट, अमेरिका के फ्लोरिडा से कॉमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग कर लौटने पर जोरदार स्वागत हुआ, कपासन क्षेत्र में कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेने वाला पहला पायलट है गीतेश लड्ढा। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में महादेव मंदिर में फिर चोरी का प्रयास, मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में लगे सेंसर से पुजारी को चला पता, पुलिस के पहुंचने से पहले चोर फरार, 5 महीने पहले भी मंदिर का दान पात्र तोड़कर चोर ले गए थे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पुलिस ने सटोरियों पर कसा शिकंजा, कोतवाली थाना पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ चलाया अभियान, मॉडल स्कूल के पीछे इश्क का बाद से जुआ खेलते 2 लोगों को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में ट्रक चालक के साथ मारपीट मामले में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के बैनर तले चालकों ने हड़ताल की, इरफान अब्बासी की गिरफ्तारी सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल, आरोपी की गिरफ्तारी के साथ मुकदमा दर्ज होने और मांग मानने पर हड़ताल समाप्त हुई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से सम्मानित चित्तौड़गढ़ के जिला संरक्षक हजारीलाल रैगर और चित्तौड़गढ़ जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा को सम्मानित किया, इंदिरा गांधी पंचायत राज सभागार जयपुर में आयोजित हुआ था समारोह। चित्तौड़गढ़ के बड़ी साधड़ी में पैंथर के मूवमेंट से फिर दहशत का माहौल, पिछले कई दिनों से पहाड़ियों पर हो रहा पैंथर का मूवमेंट, 2 पशुपालकों की 10 बकरियों का शिकार किया था। करौली में नगर परिषद सभापति ब्रजेश कुमार जाटव ने सड़कों का लोकार्पण किया, नगर परिषद के सहायक अभियंता महेंद्र सिंह ने बताया कि 1,25,00,000 की लागत से निर्मित 2 सीसी सड़कों का नगर परिषद सभापति ने लोकार्पण किया।
बांसवाड़ा में बुजुर्ग का अपहरण और मारपीट के मामले में पुलिस ने बीजेपी के ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष और तीन बार के पार्षद लाभचंद पटेल और उसके बेटे को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में पुलिस ने लूट करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 8 लूट की वारदात को कबूला। आरोपियों ने 2 युवकों से 7,000 और मोबाइल लूटा था। जैसलमेर के फलसूर में 2 बाइकों की भिड़ंत। हादसे में 1 युवक की मौत जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे में दोनों बाइकों के पर कच्चे हुए। अलवर के रावली विहार थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की टक्कर। हादसे में 1 ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। जालौर विकास समिति एवं डायलिपिक काउंसिल ऑफ राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान के रंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें राज्य के लोक कला और संगीत से जुड़े ख्यातनाम कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। जोधपुर के फलौदी में ट्रांसफर से नाराज नर्स ने जिला अस्पताल पीएमओ के साथ मारपीट की। सरकारी फाइलें फेंकी और जड़ा थप्पड़। पीएमओ और जिला अस्पताल स्टाफ ने फलौदी थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पीएमओ के साथ मारपीट करने पर निलंबन हुआ। नागौर के रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का रथ पहुंचने पर जगह जगह स्वागत किया गया। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा रथ के साथ कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली निकाली। इस दौरान गिरधारी लाल सेन, रामकिशोर पचारिया मौजूद रहे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय पोखरण दौरे पर रहे। पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौर, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति समेत कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बस्सी के जटवाड़ा में बैंक ऑफ इंडिया में एटीएम लूट की कोशिश नाकाम। सायरन बजने से मौके पर गैस कटर और अन्य सामान छोड़कर बदमाश भागे। पुलिस ने नाकाबंदी कर 6 बदमाशों को धर दबोचा और जो सामान था वो भी जब्त किया। राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ इकाई सांगानेर के चुनाव में अध्यक्ष हरिओम मीणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणपत लाल मोहनपुरा को निर्विरोध चुना गया। किशन राजरवाल ने पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। सभी ने बच्चों को पढ़ाने पर जोर दिया। जालौर में मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2020-21 के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पावटा का शिलान्यास कार्यक्रम जन अभियोग निराकरण के अध्यक्ष पुखराज पाराशर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगा। राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पावटा के भवन निर्माण में 2,25,00,000 की लागत आएगी। जालौर सांसद देवजी पटेल अहमदाबाद दौरे पर रहे। उन्होंने इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सांसद देवजी पटेल ने समस्त क्षेत्रीय घांची समाज सेवा ट्रस्ट में मोदी भवन उद्घाटन समारोह में शिरकत की। नागौर में बाल अधिकार, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और लिंग आधार हिंसा और बाल विवाह की रोकथाम पर चर्चा के लिए एक पैनल। कैमरे में कैद हुआ 2 बाइक सवार युवकों ने पेट्रोल चोरी को अंजाम दिया।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे सवाईमाधोपुर। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने सवाईमाधोपुर पहुंचे। सवाईमाधोपुर पहुंचने पर सीएम सलाहकार दानिश अबरार ने अगवानी की। लाडनू में गोधाम गौशाला में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौ भक्तों ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। गायों को सर्दी से बचाने के लिए ओढ़ाए कंबल। इस मौके पर अक्षय भक्त मंडन सेवा समिति के अध्यक्ष राम पारिक सचिव धणीधर दादीच मौजूद रहे। धौलपुर में इंदिरा गांधी खेल मैदान में ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से टॉयलेट बाथरूम का निर्माण कराया गया। ट्रांसजेंडर मंगला मुखी का कहना है ट्रांसजेंडरों को भी संविधान के सभी अधिकार प्राप्त हैं जो कि एक आम इंसान को है। ऐसे में जब सभी के लिए शौचालय की व्यवस्था की जाएगी तो ट्रांसजेंडर्स के लिए भी अलग से व्यवस्था की जाए। सिरोही में मौत के 10 दिन बाद कार्तिक भील का हुआ अंतिम संस्कार। मृतक कार्तिक भील के परिजनों और प्रशासन के बीच सहमति के बाद अंतिम संस्कार हुआ। मृतक कार्तिक भील हत्याकांड को लेकर परिजन और भीम आदमी समाज प्रदर्शन कर रहा था। अजमेर के पीसांगन में माहेश्वरी भवन में संगीतमय रामकथा का आगाज हुआ। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से निकाली कलश यात्रा। लोगों ने पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया। डीरवाना में 5वें नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। श्री आदर्श सरस्वती सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित शिविर में 70 मरीजों का होगा लेंस प्रत्यारोपण। जयपुर के शंकरा हाई हॉस्पिटल के डॉक्टर शांति प्रिया शर्मा द्वारा लेंस प्रत्यारोपण किया जाएगा। शहर ब्रज भूमि कल्याण परिषद की तरफ से भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर दूध और जल का अभिषेक किया गया। इस दौरान ब्रज भूमि कल्याण परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के सरोजपुर गांव में एक व्यक्ति के सामने जरख आ गया, जिससे वो जरख से बचने के लिए आगे खेत में भाग रहा था। इस दौरान 90 फुट गहरे कुएं में जा गिरा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, पैर टूट गया। अलवर शहर के चर्च रोड स्थित सेंट एंड्रयूज चर्च में व्हाइट गिफ्ट संडे मनाया गया। इस मौके पर चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। अलवर के नारायणपुरा थाना क्षेत्र के खरखड़ी गांव के जंगल में खान से ट्रैक्टर में पत्थर भरना मना करना महिला को भारी पड़ गया। महिला के साथ मारपीट कर दी, साथ ही करीब 6 लोगों पर हमला कर दिया। अलवर के शिवलालपुरा मोहल्ले में एक व्यक्ति को पुलिस ने अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध देसी शराब के पौए भी बरामद किए। अलवर के एनीबी थाना क्षेत्र के ठाकर वाले कुएं पर निर्माणाधीन मकान के बाहर पड़ी लोहे की गाटर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोर ई रिक्शा में गाटर रखकर फरार हो गए। चोरी की वारदात मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अलवर में अग्रवाल धर्मशाला में प्रथम राज्य स्तरीय दिव्यांग युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन हुआ। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के निदेशक देवेंद्र चौबीसा ने यह जानकारी दी। उदयपुर के झाडोल में 3 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तरीय वेस्ट जोन यूनिवर्सिटी लेवल वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। इनमें झाडोल कस्बे के रहने वाले जयेश जैन, गोराणा के युगल किशोर पूर्विया और बदराणा के यशवंत पुजारी शामिल हैं। झुंझुनू के पचेरी थाना इलाके में लूट और तोड़फोड़ की वारदात में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुछ बदमाशों ने ठेके पर तोड़फोड़ कर दी और गले में रखी नकदी लूट कर ले गए थे। राजसमंद के नाथद्वारा नगर में बीती रात कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कुमार विश्वास समेत देश के कई ख्यातनाम कवियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कवि सम्मेलन में हजारों की संख्या में श्रोता कवियों को सुनने के लिए मौजूद रहे। चाकसू कस्बे में एक बेकाबू कार ने राहगीरों सहित दुकानों के आगे खड़ी बाइक को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से हल्की चोट लगी। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। कार की टक्कर से करीब 4 बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। डीडवानों को इस बार अंडर 19 बालिका नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी का मौका मिला। टूर्नामेंट का आयोजन 11 से 15 जनवरी तक स्थानीय बलदेव राम मिर्धा स्टेडियम में होगा। सम्मेद शिखर को पर्यटक स्थल घोषित करने पर डूंगरपुर के जैन समाज ने आक्रोश जताया। सम्मेद शिखर बचाओ आंदोलन के देशव्यापी आह्वान पर प्रदर्शन हुआ। सम्मेद शिखर को पर्यटक स्थल की सूची से बाहर रखने की मांग रही। नागौर में डीडवाना के शेरानी आबाद गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में कोर्स पूरा नहीं होने से अभिभावकों ने आक्रोश जताया। स्कूल में प्रिंसिपल नहीं होने से स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के करनाऊबा गांव में युवक का शव घर में फंदे पर लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को खेरवाड़ा मोर्चरी में रखवाया, मामले की जांच में जुट गई। विधायक शंकर सिंह रावत ने बार एसोसिएशन संस्था ब्यावर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया। सेंद्रड़ा रोड स्थित विधायक कार्यालय पर आयोजित एक सादे कार्यक्रम में पहुंचे। करौली में पांचना बांध से नहरों में जल निकासी मामले में अब तक 39 गांव के लोगों ने बांध पर निगरानी शुरू कर दी। ग्रामीणों ने 39 गांव के खेतों को पानी नहीं मिलने तक संघर्ष जारी रखने की चेतावनी दी। ब्यावर में रबी की फसल की बुआई के बाद यूरिया खाद की लगातार मांग बढ़ती जा रही है। आपूर्ति नहीं होने के कारण किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं गेहूं और जौ चने की फसल के लिए यूरिया खाद अहम माना जाता है। चूरू में NH-52 पर निजी बस और ट्रक की टक्कर हो गई। बस और ट्रक की टक्कर में 12 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जेसीबी मशीन से केबिन तोड़कर ड्राइवर को बाहर निकाला।
ब्यावर में जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर पर प्रथम से हुई। इन सभी गांवों में ग्रामीणों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया, साथ ही यात्रा को समर्थन दिया। ब्यावर आबकारी ने देलवाड़ा रोड स्थित एक शराब के गोदाम पर कार्रवाई की। अवैध शराब कारोबार में लिप्त तीन युवकों को गिरफ्तार किया। मौके से भारी मात्रा में मिलावटी अवैध शराब के पौधे, शराब बनाने का सामान जब्त किया। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा 9वें दिन राजसमंद जिले के नागद्वारा नगर में रही। तेलियों का तालाब क्षेत्र में यात्रा का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 13 दिसंबर को मलाना डूंगर क्षेत्र के दहलोद मोड़ पर रात्रि विश्राम स्थल पर पहुंचेगी। विश्राम स्थल पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही। संभागीय आयुक्त ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भरतपुर में पदम विहार कॉलोनी में चबूतरे पर हनुमान जी की मूर्ति लगाना पुलिस ने जेसीबी से उखाड़ दी। हिंदू संगठन समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाना पहुंचकर प्रदर्शन किया। मूर्ति को फिर से उसी जगह लगाने की मांग की। खीवसा शहर में रविवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। खीवसा फोर्ट से जन आक्रोश यात्रा मुख्य मार्गों से निकाली गई। इस मौके पर जन आक्रोश यात्रा का जगह जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।